देखो, जितना महत्व सेल एड्रेस का एक्सेल में है उतना ही महत्व सेल एड्रेस का ओपन ऑफिस या लिब्रा ऑफिस में भी है। अभी लिब्रा ऑफिस ओपन कर रहा है, ठीक है। देखो लिब्रा ऑफिस ओपन किए, ये देखो लिब्रा ऑफिस ओपन हो गया। यहाँ से इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, पुराने वाले पे काम करेंगे हम लोग। ये हो गया, ये अनटाइटल लिखा हुआ, यहाँ से सेव कर दो इसको, ठीक है। ये आ गया हम लोग। अब लिब्रा ऑफिस में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, एमएस वर्ड पढ़ते हो ना, इसी तरह से लिब्रा ऑफिस में राइटर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तुमको, ठीक है। एमएस वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल पढ़ते हो ना, एमएस एक्सेल जैसा जो सॉफ्टवेयर है वो कैल्क स्प्रेडशीट मिल जाएगा। एमएस एक्सेल कौन सा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी तरह से इंप्रेस प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, एमएस पावर पॉइंट पढ़ते हो ना उसमें, इसी तरह से इंप्रेस प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। एमएस वर्ड में जाके ड्रॉइंग बनाते हो ना शेप वुक लेके, तो यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉइंग मिल जाता है। मैथ का फॉर्मूला वर्मूला लिखना है तो वो क्या बोलते हैं अंडर रूट वगैरह बनाते हो तो वो सारी चीजें यहाँ से हो जाएंगी। एमएस एक्सेस पढ़ते हो तो उस तरीके से डेटाबेस बेस डेटाबेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं कैल्क स्प्रेडशीट पर, आ गए या गए कैल्क स्प्रेडशीट पर। हमको क्या देखना है इसमें, हमको देखना है कि किस तरीके से सेल एड्रेस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए 55। अब देखो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये टू। तो दोनों को मिला के क्या हो गया, बी टू हो गया, ठीक है। तो अब बी टू जो है इसका एड्रेस है, अब समझ लो कि इसका घर जो है बी टू है फिलहाल के लिए, ठीक है। अब इसको मैं एक अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। देखो 55 लिखा हुआ है ना, इसका सेल एड्रेस क्या हो गया, ये इसका 55 का B2 हो गया। अब यहां पर कुछ लिखता हूं, मैं 77 लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 77 है इसको एक अलग कलर प्रोवाइड करता हूं लाइक दिस, तो इसका सेल एड्रेस क्या है, C2 है, ठीक है। अब मान लो यहां पर कुछ लिख दिया, इसका सेल एड्रेस C4, यहां पर कुछ लिखते हैं इसका सेल एड्रेस C3, फिर यहां पर लिख देते हैं, ऐसे ही हर जगह हम लिख देंगे और उसका सेल एड्रेस आप देख ही सकते हैं क्या है ना। अब यहां पर मैं क्या कर देता हूं, नाम लिख देता हूं स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो यहां लिख दिया नेम, अब मान लो ये स्टूडेंट का नाम होगा जो भी होगा, ठीक है। ऊपर करता हूं इसको, यहां पे नहीं रखना है हमको, कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा और ऊपर ले जाएंगे इसको, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, कट करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये सब कुछ करो, सब्जेक्ट वन का नंबर है बच्चे का, ठीक है, किसी क्लास के बच्चे का। तुम किस क्लास में हो, तो टेंथ के किसी एक बच्चे का नंबर है, ठीक है। अब ये यहाँ पे नाम लिखूंगा तो किसी एक बच्चे का हो जाएगा, फिर ये दूसरे बच्चे का हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कर देता हूँ सब्जेक्ट थ्री, जो भी सब्जेक्ट थ्री है आप नाम दे दीजिएगा, वट एवर साइंस कंप्यूटर और जो कुछ भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसका नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट कर देते हैं 4, और फिर कर देते हैं लास्ट सब्जेक्ट 5, ओके। और फिर यहाँ कर देता हूँ सब्जेक्ट 6, SUB 6 कर दिया है ना। अब ये सारा करने के बाद यहाँ पे नाम लिख देते हैं, नाम लिखे ना, लाइक मान लो पहले स्टूडेंट का नाम है ना राम, और कौन तुम्हारा दोस्त है, नहीं दोस्त है, लॉकडाउन है कहाँ से दोस्त आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ सुमित, यहाँ पे लिख देता हूँ अमित, ठीक है। इसी तरह से बनाना है ना, तो बॉर्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की भी मैंने बताई थी, याद है आपको, याद है कि नहीं, चलो नहीं याद है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ से भी बॉर्डर बना सकते हैं, तो चलो अभी यहीं से बॉर्डर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा सिनेरियो आपको दिखाई पड़े, ये देखना जो बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं। ये तो सब्जेक्ट के मार्क्स हो गए, ठीक है। अब इसका टोटल करना है तो कहां से करेंगे, यहाँ पे जाके कर सकते हैं टोटल, TOTAL, यहाँ पे टोटल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टोटल करने से क्या होगा, टोटल करने के अलग अलग वेज हो सकते हैं, ठीक है। कितने तरह के वेज हो सकते हैं, देखिए पहला तो टोटल करने का ये तरीका है, देखिए इज इक्वल टू के बिना कोई भी फॉर्मूला शुरू नहीं होगा, तो इज इक्वल टू लगा लीजिए और एक एक को सेलेक्ट करते चलिए। ये कौन सा सेल एड्रेस है बेटा, B2, तो आप यहाँ हाथ से लिख सकते हैं B2, ठीक है, प्लस का निशान लगाइए। फिर ये कौन सा सेल एड्रेस, ये कौन सा सेल एड्रेस है, C2 लिखिए, इसी तरह से D2 लिखिए, ठीक है, इसी तरह से E2 लिखिए, ये एक एक करके लिखते चले जाइए, ठीक है। E2 हो गया, अब F2 है, फिर G2 है, तो प्लस का निशान लगाइए, F2 लिखिए, फिर यहाँ लिखिए G2 लिखिए। तो ये ऐड करने के तरीके हैं, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। कितना नंबर आया है यहाँ पे, देखो 372, ठीक है। तो अब 372 आ गया, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि पहले इसको हटा दो, हटा दिया,
अब यहां पे इज इक्वल टू लगाते हैं फिर से, और यहां पे लगाते हैं सम का फॉर्मूला, ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि एक्सेल में टैब प्रेस करने पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, लेकिन यहां पे नहीं अप्लाई होगा, एरर आ जाएगा। तो यहां पे टैब नहीं प्रेस करना है, ठीक है ना, टैब क्या करना है, नहीं प्रेस करना है, इसको इधर कर लो। अब यहां पर फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, एस यू एम सम लगा दिया, लगा दिया ना, ये ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहां से इसको पकड़ लो, ठीक है, ड्रैग करते हुए कहां चले जाओ, सेम लाइन में ड्रैग करना है, डिफरेंट लाइन में नहीं जाना चाहिए, ये देखो सेम लाइन में है, ठीक है, B2 से लेके G2 तक हमने ड्रैग कर लिया, यहां लिखा हुआ भी आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको बंद करोगे 372 आया था ना, 372 फिर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या हुआ, तीसरा तरीका इतना शानदार, अच्छा यहां पे जो भी आपका आएगा कैलकुलेट करने पर उसको आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना, ऐसा नहीं कि बार बार आप यहां पे जाके कैलकुलेट करें, यहां पर सिंपली जाइए और यहां से ड्रैग करवा दीजिए, जब ड्रैग करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा आ जाएगा अपने आप, बार बार नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। एक्सेल और लिब्रा कैल्क या ओपन ऑफिस की यही खासियत है, ठीक है, और लिब्रा कैल्क तो और बढ़िया है, फ्री में डाउनलोड हो जाएगा नेट से, फ्री ऑफ कॉस्ट, लिब्रा की वेबसाइट पे जाइए और यहां से डाउनलोड हो जाएगा आपको, उसको तो खरीदना पड़ेगा, जाकर दुकान पे डलवाएंगे, क्रय प्रोडक्ट डालेंगे, सब तो पैसा लेंगे सब, लेकिन ये तो फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो तरीका हो गया। अब इस पे बॉर्डर बनाना है तो क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, बॉर्डर बना दीजिए, अब ये टोटल कैलकुलेट कर लिया हमने तो बॉर्डर बना दीजिए, नहीं तो और भी कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज के लिए इज इक्वल टू ए बी ई आर ए जी ई, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा लिखना पड़ेगा ए बी ई आर ए जी ई, ठीक है, ये लिख दिया। अब पूरा ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट वन से उठाइए, ठीक है, और सेलेक्ट करते हुए इसी सेम लाइन में रहना है आपको, सेम रो में रहिए, रो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम रो में ड्रैग करते हुए कहां तक आना है आपको, यहां तक, सब्जेक्ट सिक्स तक आ गए, B2 से G2 तक आ गए। अब इसको बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद एंटर कर दीजिए, देखिए एवरेज आ गया इनका, 62% एवरेज है, ठीक है। अब यहां पर डबल क्लिक करूंगा तो सबका आ जाएगा, ठीक है ना। अब परसेंटेज में और एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन तरीका निकालने का अलग अलग हो सकता है, यहां पे दिखाता हूं कैसे। ये देखो यहां पर मैं अब परसेंटेज कैलकुलेट करता हूं, क्या लिखता हूं, PERCENTAGE, है ना, परसेंटेज लिखा हमने, और यहां पे नीचे आते हैं, नीचे आ गए। अब यहां पे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो इज इक्वल टू का निशान लगाओ, ठीक है। अब क्या करना है, कौन कौन सब्जेक्ट है देखो, तो एक सब्जेक्ट कितना नंबर का है, 100 नंबर का है, तो छह सब्जेक्ट कितने नंबर के हुए, 600 नंबर के, ठीक है। चलो इतना पता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कहीं अलग से कॉलम में लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, क्योंकि टोटल यही है ना, तो टोटल को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा टोटल 372 नंबर जिसका भी है, यहां पे देखो नाम पता चल जाएगा, अभी यहां पे थोड़ा सा इसको खिसकाते हैं, नाम पता चल जाएगा, देखो किसका है ये 372 नंबर, टोटल किसका है, राम का है। तो राम का जो नंबर है वो कौन से सेल में लिखा हुआ है, इसे हम सेल कहेंगे, H2 लिखा हुआ है ना, रो और कॉलम मिलाकर के बनती है स्प्रेडशीट, ठीक है। अब इसे हम एक सेल कहेंगे, तो कौन से सेल में है, H2 में है, ठीक है ना, माने H2 एक घर है, घर का नंबर समझो, मकान का नंबर, जैसे मकान में रहते हो ना, तो मान लो मकान नंबर 384 तुम्हारा है, ठीक है, इसी तरह से ये जो 372 है इसका मकान नंबर कितना है, H2 है, यानी इसका पता H2 है, सेल एड्रेस H2 है, सेल रेफरेंस H2 है, ठीक है ना। अब हो गया, अब यहां पर इनटू का साइन लगाना है, ठीक है। परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है, 100 पे, है ना, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 600 से डिवाइड कर दो, देखो क्या होता है, देखो 62% आ रहा है कि नहीं, ये भी तरीका है, इससे भी परसेंटेज आपका आ जाएगा। जो आपका मैनुअल मेथड है वो इसी तरह यूज होता है, हम लोग छोटे छोटे थे तो ऐसे ही परसेंटेज निकलवाते थे लोग, बड़ी मार्क है। चलो आगे बढ़ते हैं,